एवरीवन, हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। आई एम शेफ अश्विंदर कौर अग्रवाल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक रेसिपी जो है नो अनियन एंड नो गार्लिक। ये हम बना रहे हैं आज बटर पनीर मसाला। सो देखते हैं कैसे बनता है ये। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 मोटी इलायची और साथ में ही 1 टेबलस्पून जितना बटर, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और इन्हें थोड़ा कुक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 3 टमाटर, जिसमें से मैं 2 टमाटर इसमें डाल दूंगी। बट अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप ज्यादा टमाटर यूज कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद ही हम डालेंगे सॉल्ट, तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लीजिए। नमक थोड़ा हमें देख के डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें बटर भी ऐड कर रखा है, तो नमक हमें देख के डालना है थोड़ा सा। यहाँ पे मेरे पास है रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना मैं वो डाल दूंगी। हल्दी है, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी डाल दूंगी। यहाँ पे मेरे पास है पनीर मसाला, जो ऑलरेडी नो गार्लिक मसाला है, ये मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल दूंगी। उसके बाद बहुत हल्का सा मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गरम मसाला। और अब इन सारी चीजों को हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब इसे हमें 10 से 15 मिनट ऐसे ही कुक करना है इसी तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा मसाला बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा मिल्क, थोड़ी क्रीम और इसे कर लेंगे मिक्स। तो अब हम इसे फिर से थोड़ा कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए और फिर हम इस ग्रेवी को स्ट्रेन करेंगे। तो चलिए इसे 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। अब हम इस ग्रेवी को इसमें छान लेंगे। सारी ग्रेवी हमें स्ट्रेन करनी है और फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे अपने पनीर के साथ। और आप अगर नहीं भी पकाना चाहते इस टाइम तो आप इसे इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। चलिए सारी ग्रेवी को इस तरीके से स्ट्रेन कर लेते हैं। इसे बिल्कुल हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी वेजिटेबल बन के रेडी हो जाती है। और मिंटो स्किंटो में हमने इसमें ना कोई अनियन यूज किया है, ना कोई गार्लिक यूज किया है, बस सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट टमाटर के साथ हमने ये बनाई है। सूखी सब्जी या कोई और सब्जी में डाल के इसे यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्पाइसेस का फ्लेवर है। इसे हम फिर से अपने पैन में ट्रांसफर कर लेंगे सारी ग्रेवी को। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अब थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ा सा बटर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बटर मसाला है, पनीर बटर मसाला, थोड़ी सी शुगर
और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे अपने पनीर के डाइसेस और 5-10 मिनट के लिए सिर्फ अब हमें इसे और पकाना है और हमारी वेजिटेबल बन के रेडी है। इस तरीके से ये आप ट्राइंगल पीसेस काट सकते हैं पनीर के, इन्हें इस तरीके से ट्राइंगल काट के आप इसमें डाल दीजिए। या आप स्क्वायर भी काट सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, अब इसे 5 से ज्यादा 6 मिनट के लिए, 5 मिनट्स वैसे इनफ होते हैं, अब हम इसे कुक कर लेते हैं। चलिए हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसे अब हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने एक, तो आप देख सकते हैं अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा मेल्टेड बटर, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी सी क्रीम। तो हमारी बटर पनीर मसाला नो अनियन नो गार्लिक बन के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी वाकई बहुत अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे हम इसी तरीके से लाते रहेंगे आपके लिए एक्साइटिंग रेसिपीज़। बाय।